फिलहाल मैंने यहाँ पे ये बिछा दिया, अपना तकिया वकिया निकाला, क्योंकि अब मैं थोड़ी देर यहाँ ही पे सो जाऊँगा, क्योंकि अंदर गाड़ी में बहुत गर्मी है, इसलिए यहाँ ही पे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मतलब हवा अच्छा चल रहा है और मौसम भी काफ़ी अच्छा है, तो चलते हैं। फिलहाल मैं रेस्ट कर दूँगा, उसके बाद ही मिलते हैं। रोड ही नहीं है ये, देखो यार रोड ही नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल डर लग रहा है यार। अल्लाह बचाए, अल्लाह रहम करे सबको। बस बहुत बड़ी गलती की आज इस रोड से आया। बस तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ भाई यहाँ से। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू चैनल सिटी एक्सप्रेस। आई होप आप सब अच्छे से होगे, बढ़िया होगे। तो करते हैं आप सबको, आपको अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम, और करते हैं ब्लॉग स्टार्ट आज बड़े दिनों के बाद। तो आप सोचे होगे कि सेठी भाई कहाँ पे पहुँच जाए, क्योंकि पीछे इतना खूबसूरत नज़ारा नज़र में आ रहा है, आपको देखने को मिल रहा है अभी खूबसूरत हसीन वादी। आप पहले आपको मैं यही दिखाऊंगा, फिर उसके बाद ही अच्छे से अपना वीडियो स्टार्ट कर लेंगे और पूरी डिटेल आपसे भी शेयर कर लेंगे कि मैं कहाँ पे था। चार दिन से वीडियो क्यों नहीं आ रहा था मेरा। बात ये हुई, लास्ट में आप लोगों ने देखा होगा मैं पहुँचा था शायद जगटी, जो जम्मू है, जम्मू से आगे जहाँ पे कानवाई खड़ी होती है, जहाँ पे नाका लगता है श्रीनगर जाने के लिए। तो वहाँ पे मतलब हमें गाड़ियों को नहीं छोड़ा है, हम वहाँ पे चार दिन कम से कम मैंने वहाँ पे वेट किया। चार दिन के बाद जब मुझे अब लगा कि नहीं अब कानवाई होना बिल्कुल भी मुश्किल है, तो इसलिए फिर मैंने कल रात को अपना रास्ता यही चुना है जो कि मगल रोड से जाता है अपने शोपियन की तरफ, अपने पेड़ की तरफ जो रास्ता जाता है। तो मैंने सोचा आज तो हम चलो इसी रास्ते से ही जाएंगे। तो चार दिन मैंने बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि बात ये होगी वहाँ पे मैं बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया इतनी सारी न्यूज़ देख के, और वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, सिग्नल भी नहीं आ रही थी, और चार दिनों से रोड ब्लॉक था, इसलिए फिर मैं एक ही जगह गाड़ी खड़ी थी। तो मैंने सोचा तो अब क्या वीडियो शूट करें, क्योंकि अपसेट जब बंदा होता है तो फिर मूड ही ख़राब होता है, आपको तो पता ही होगा। इस चक्कर मैंने कितनी जल्दी की थी, क्योंकि मैं बस चार पाँच दिन में रामपुर से वापस आया था लोड करके, फिर जब वहाँ पर पहुँचा कानवाई में वहाँ पर चार दिन रुकना पड़ा। तो चलो क्या करें, तो जोड़े इन सब बातों को। कल शाम को मैं वहाँ से निकल के आया जम्मू से जहाँ पे कानवाई खड़ी होती है, तो पूरी रात चल के आया। अभी जस्ट मैंने रजौरी क्रॉस कर लिया, तो अब चल रहे बीजी वाले रोड की तरफ। तो आज मतलब ये जो इलाका आपको नज़र आ रहा है ना, तो ये अपने राजा भाई का इलाका है, राजा रमीज़ व्लॉग्स। तो आज उसी के शहर में खड़े, उसी के शहर में चल रहे, तो अपने दोनों गाड़ी वहाँ पर खड़ी किया। तो अभी काफ़ी नींद भी आ रही है, तो मैंने सोचा नहीं आज काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग स्टार्ट करना है, पहले तो मैं यही काम कर लूँगा। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक साइट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है मौजबीट, जिसमें आप बहुत सारा पैसे कमा सकते हो। तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि इसमें कैसे रजिस्टर करना है। तो गाइस देखिए, आपने काम करना है कि आपको मौजबीट की साइट ओपन करनी है, उसके बाद आपने काम करना है, करेंसी चूज करनी है, उसके बाद आपने प्रोमो कोड यूज करना है, तो उसके बाद आप लोगों स्टार्ट गेम पे क्लिक करना है। तो देखो गाइस, मैंने यहाँ पे अपना प्रोमो कोड यूज किया है और मैं यहाँ पे स्टार्ट गेम पे क्लिक करता हूँ। फिर आपने करना क्या है, आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो गाइस आप लोग यहाँ पे इजीली डिपॉजिट कर सकते हो किसी भी यूपीआई आईडी थ्रू। तो देखो गाइस, मैं यहाँ पे 1000 रुपए डिपॉजिट करता हूँ। तो यहाँ पे आपने पहले काम करना है कि अपना नाम डालना है, फिर आपने डिपॉजिट पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारी गेम्स खेलने को मिल जाएगी, जैसे मेरी फेवरेट गेम है एवेटर अंडरवर्ल्ड, जिसे यहाँ पे एक बैट लगानी होती है, फिर प्लान उठने का वेट करना होता है। देखो जैसे मैं यहाँ पे 10 रुपये लगा रहा हूँ, मैं का वेट कर रहा हूँ, तो देखो गाइस वो ये प्लान क्रैश हो गया और मैं 10 रुपये हार गया। एक बार फिर से मैं ट्राई करता हूँ और एक बार फिर से मैं पैसे लगाता हूँ 10 रुपये। तो देखो गाइस यहाँ पे मैं जीत चुका हूँ, मैंने टाइम से पहले ही कैश आउट कर दिया। तो गाइस मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डालता हूँ और आपको वहाँ पे इजीली रजिस्टर कर सकते हो, क्योंकि यार पूरी रात चल रही थी, देखो हाल क्या हुआ, पूरी रात चल के। तो मतलब मैंने सोचा आप जल्दी से जल्दी पहुँचेंगे, तो चलो छोड़ो अब जो भी होगा वो होगा। तो फिलहाल हम यहाँ से निकलते जल्दी से जल्दी, अभी मैं चाय पीने के लिए रुका था, तो इसी के साथ साथ मैंने अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लिया। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। तो चलते आज आपको यहाँ का प्यारा सा मौसम दिखा दे। तो ये देखो अपना शहनशाह कहाँ पर खड़ा किया था, बिल्कुल रोड में, अभी सुबह सुबह का टाइम है। तो यहाँ से चाय पी के निकल गए, अब बस निकलेंगे करेंगे अपना सफ़र स्टार्ट। तो अभी फ़िलहाल बोल रहे हैं कि सुरनकोट तक छोड़ रहे हैं, वहाँ पे फिर खड़ा कर रहे हैं, फिर शाम के टाइम के सुबह के टाइम वहाँ से छोड़ दिया। तो अपने दूसरी गाड़ी भी पीछे ही लगी है। बिलाल भाई अभी सोया है क्योंकि वो पूरी रात चल रहा था और मैं भी चल रहा हूँ, पर मैं तो अकेला ही हूँ, इसलिए तो अब खुद ही चलना पड़ेगा, क्योंकि जो बिलाल भाई है वो अब सोया है, उसके बदले अब क्या बोल रहे हैं मेवाती छोरा गाड़ी चला रहा है अभी। तो चले
तो बस निकल गए वहाँ से, कर दिया अपना सफर स्टार्ट। तो अभी मतलब हिल जो है ना बहुत है, तो इसलिए आराम आराम से चढ़ना पड़ता है। यहाँ से 12 चक्का गाड़ी को मुश्किल ही होता है, पर क्या करें, हम भी तो मजबूर थे। वो देखो बिलाल भाई की गाड़ी आगे आगे चल रही है, वो भी मोड़ को टर्न ले रही है, पर टर्न जो है ना लंबा है, मुझे लग रहा है दो कट हो जाएगी गाड़ी को, इसलिए मैं थोड़ा पीछे ही ब्रेक मारूंगा। ठीक है, वो देखो डबल डबल टर्न हो रहा है, ये जो मोड़ है ना टेढ़े है, भी चल रहा है आगे आगे आराम आराम से, क्योंकि इसमें तो आराम से ही चलना चाहिए, क्योंकि हिल ज़्यादा है, इसीलिए मतलब थोड़ा तेल भी बचना चाहिए ऑलरेडी। तो मतलब अगर हम अपने रास्ते से जाते हैं और इस रास्ते से हमें कम से कम 10-12 हज़ार रुपये की फ़र्क आती है, बड़ी गाड़ी में 12 चक्का पे कम से कम 12 हज़ार रुपये की फ़र्क आती है डीजल में। तो चलो क्या करें, हम भी तो मजबूर थे, हमने सोचा अब तो 4 दिन हमें वहाँ पे हो गए रुक के, तो इसलिए फिर हमने कल रात को यही रास्ता चुना कि नहीं हम यहीं से जाएंगे। तो ये देखो बिलाल भाई की गाड़ी, ये देखो चलो कितने बड़े हैं मोड़, कितने टेढ़े हैं। तो ये बीजी वाला रास्ता है, फिलहाल तो हम बीजी पहुंचेंगे मेंबर गली। मोड़ भी नजर आ रहा है, वेलकम टू मेंबर गली पॉइंट 54 सुरनकोट 25। फिलहाल तो हमें सुरनकोट ही पहुंचना है, तो बिलाल भाई को मैंने साइड ले लिया, बिलाल भाई चल रहा है पीछे पीछे, मैंने उसको साइड ले लिया। तो अभी मैं आगे आगे चल रहा हूं, क्योंकि आगे भी गाड़ियों को रोकते हैं ना, इसलिए थोड़ा मैं सोच रहा हूं जल्दी जल्दी हो जाए, तो वरना हर दिन वहाँ पर ही रुकना पड़ेगा। तो ऊपर से हालत भी बुरी हो गई यार, नींद भी काफ़ी आ रही है, क्योंकि पूरी रात चल रही है। नाम तो मुझे मालूम नहीं है, पर यहाँ से सुरनकोट है 12 किलोमीटर, तो यहाँ से लाइन खड़ी है, जैसे वहाँ उधमपुर में लाइन खड़ी थी, मतलब ट्रकों की लाइन लगी है जो कि श्रीनगर जाने के लिए रेडी थे, वैसे यहाँ पे भी लाइन लगी है। तो देखो अपनी गाड़ी भी यहाँ पे खड़ी की, तो ये देखो यहाँ से कितना अच्छा मौसम है और कितना प्यारा नज़ारा है, बिल्कुल कितनी लंबी लाइन यहाँ से भी लगी है, वो देखो वहाँ से ज़्यादातर। तो आज मुझे ये लग रही है अन्ना गाड़ी आ रही है कश्मीर, क्योंकि सेब का सीज़न चल रहा है धड़ाधड़, इसलिए बाहर की गाड़ियाँ बहुत आ रही है, और यहाँ से भी पूरा जाम लगा है और उस साइड से भी। चलो यहाँ से तो छोड़ने का चांस है, क्योंकि पहले उधर से छोड़ते हैं जो शोपियन से होके यही रोड आता है पीर गली से, ये हिरपुरा से छोड़ते हैं, पहले हिरपुरा से छोड़ते हैं इस साइड, तो फिर सुबह के टाइम यहाँ से छोड़ते हैं। तो चलो अब मुझे लग रहा है शाम तक यहीं पर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब सुबह के टाइम यहाँ से छोड़ देंगे हमें। तो फिलहाल करते हैं काम, सोते हैं, क्योंकि पूरी रात चल रहे थे, अभी तक तो सोई नहीं, क्योंकि बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, अभी ना बहुत नींद आ रही है। अब फिलहाल मैं थोड़ा दुकान पे जाऊंगा, वहाँ पे देखेंगे कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए तो फिर ठीक ही रहेगा, तभी तो नींद आएगी अच्छी से, वरना तो भूख से फिर नींद ख़राब होती है। इसलिए मैं पहले यहाँ पीछे दुकान है नज़दीक में ही, थोड़ा सा वो पिछले मोड़ में दुकान है, वहाँ से कुछ खा पी के आएंगे, फिर उसके बाद कर लेंगे रेस्ट अच्छे से, क्योंकि अगर शाम को गाड़ी को छोड़ा फिर आज रात भी कंटिन्यू चलना पड़ेगा, क्योंकि अब जो हिल है, जो डेंजरस रोड है, अब वो तो मतलब ये क्रॉस करके, तो ये जो इलाका आपको नज़र आ रहा है ना, ये राजाबाई का इलाका है, चुमिंडर नज़दीक ही है। ये देखो यहाँ से, पर कितना प्यारा मौसम है और कितना अच्छा हवा चल रहा है अभी। तो ये देखो दोनों गाड़ी यहाँ पर खड़ी की है छाई में, पर मैं सोच रहा हूँ मैं नीचे सो जाऊँगा, क्योंकि गाड़ी में गर्मी बहुत है, मैं नीचे ही सो जाऊंगा। शहनशाह की हालत ना आज बहुत बुरी होगी, क्योंकि पिछले चक्कर भी सर्विस नहीं ना की इसकी, तो आज अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह इसकी वॉशिंग भी करेगी, तब जाके ये जचेगा और अच्छे से जल्दी वापसी का माल लोड कर लेगी, क्योंकि इस चक्कर भी मतलब हमने तो इस चक्कर को जल्दी ही किया, पर जो हम कानवाई में रुके उस वजह से हमें दिन टूट गए। तो ये रही बिलाल भाई की गाड़ी यहाँ पे, ये देखो पीछे भी लंबी लाइन लगी है। वहाँ से बिरयानी खा के आया है, दुकान था पीछे, बिलाल भाई और जो दूसरा उसके साथ है वो नहीं आया था अभी, अब उनको भी पूछ के आऊँगा कि वहाँ पे बिरयानी मिल रही है, वहाँ से खा के आ जाओ, फिर सो आराम से, फिर जब भी छोड़ेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि आप कहाँ बनाएंगे गाड़ी में खाना, मतलब नींद ही पूरी नहीं होती है यार, कहाँ से बनाएंगे, और यहाँ पर है ही नहीं पानी वानी कुछ नहीं है, इसलिए अब हम होटल से ही खा लिए। मैं खा के आया बिरयानी, तो ये देखो कहाँ पर अपनी गाड़ियाँ खड़ी है और कितनी लंबी लाइन लगी है, यहाँ से भी देखो यार कितनी गाड़ियाँ है। तो अब बस मैं कर दूँगा रेस्ट, तो अब फिलहाल मैं सो जाऊँगा 2-3 घंटे, जब तक गाड़ियों को छोड़ देंगे, फिर उसके बाद ही मिलते हैं, अभी बात भी नहीं कर सकते। फिलहाल मैंने यहाँ पे ये बिछा दिया अपना तकिया वगैरह निकाला, क्योंकि अब मैं थोड़ी देर यहीं पर सो जाऊँगा, क्योंकि अंदर गाड़ी में बहुत गर्मी है, इसीलिए
यहीं पे अच्छा लग रहा है, यहाँ पे मतलब हवा अच्छा चल रहा है और मौसम भी काफ़ी अच्छा है। तो चलते हैं, फिलहाल मैं रेस्ट कर दूंगा, उसके बाद ही मिलते हैं। सो अभी टाइम आ गया दिन के 4, तो अभी अभी मैं नींद से उठा, तो यहाँ से मतलब स्लो मूवमेंट स्टार्ट हो गया, तो बारिश पड़ गया, बोला गाड़ी निकालो जल्दी से जल्दी। तो ये देखो, क्योंकि वहाँ का जो ट्रैफिक चल रहा था उसकी वजह से जाम लगा मुझे लग रहा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा क्लियर कर रही है। तो चलो देखते हैं कहाँ तक हम भी पहुँचेंगे। ये देखो भाई, वहाँ की जो लाइन आ रही है ना, इसमें भी जाम। बस पहुंचने वाले हैं सुरनकोट, वहां से हम नीचे अपने बफलियाज वाले रोड से टच हो जाए जो कि मगल रोड है। तो क्या ही बोलो यार, काफी अच्छा लगा यहां से आके, और काफी भाई मुझे मिले, मतलब उनसे मिलके काफी अच्छा लगा। और बहुत सारे भाई वो पीछे वीडियो उठा रहे थे मेरी गाड़ी का, और जो बिलाल भाई की गाड़ी है पीछे भी उसका भी, तो शुक्रिया आप सबका भाई। अभी मैं आप सबसे बात कर लेता, तो प्लीज गलत मत समझना, ये मत बोलना कि सेठी भाई सीधा चला गया, ये रुका नहीं। आपको पता है मतलब आज मैं 4-5 दिन के बाद वापस अपने घर की तरफ जा रहा हूँ, और कल से भी कार्रवाई में रुके थे, और उधमपुर में भी 3-4 दिन ऑलरेडी टूट चुके हैं। तो आपको पता है यहाँ मतलब हम गाड़ी खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि फिर जाम काफ़ी लग जाता है। तो ये देखो यहाँ से बोर्ड भी नज़र आ रहा है, बॉर्डर रोड एसोसिएशन प्रोजेक्ट, तो वेलकम्स यू टू पुंछ डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ से पूछ दिखा रहा है 31 शायद, सुरनकोट बाईपास रावलकोट 74, ये तो मुझे पता नहीं है रावलकोट कहाँ पे। सुरनकोट टाउन 4 किलोमीटर, बफलियाज 15 किलोमीटर, श्रीनगर 149। तो अभी यहाँ से रह गए श्रीनगर 149, तो मानो अभी हमें बफलियाज तक चलना है 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर के बाद हम अपने मगल रोड से कनेक्ट हो जाए जो कि अपने पिंड की तरफ से जा रहा है, अपने शोपियां डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जा रहा है। तो चले रखते हैं अपना सफ़र कंटिन्यू, मुझे लग रहा है अब रात को शायद वहाँ पे छोड़ देनी है, क्योंकि आज मैं काफ़ी टाइम के बाद इस रास्ते से सफ़र कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ी गाड़ी को तो यहाँ से मुश्किल ही होता है, मतलब मैं सोच रहा हूँ अब मतलब मैंने गलत ही किया। तो चलो क्या करें यार, क्योंकि इसी रोड में ज़्यादा जाम लग जाता है, तो ये ऑलरेडी रोड काफ़ी सिंगल है इसलिए इसमें जाम लग जाता है। तो यार फिलहाल हम यहाँ से राइट टर्न ले लेते आराम से, गाड़ी लंबी है और वजन भी है गाड़ी में बहुत, इसलिए बिल्कुल ड्राइव केयरफुली। मैं हर किसी भाई को बोल रहा हूँ कि नहीं भाई, हमेशा ड्राइव केयरफुली किया करो, मतलब रोड छोटा है ना, और यहाँ से बिल्कुल भी रोड ही नहीं है इसको, इसलिए आराम से जाना पड़ेगा। इस छोटे रोड पे एंटर, ये जो रोड है ना ये बिल्कुल बहुत छोटा है, किसी रोड की वजह से बहुत सारा जाम लग जाता है, मतलब जो भी हम सुबह से यहाँ इस जाम में फंसे थे, बस रीजन तो इसी छोटे रोड का है। बस यार सोचता हूँ जल्दी से जल्दी ये रोड पार हो जाए, क्योंकि यार बहुत मुश्किल होता है, और मतलब गाड़ी नहीं मुड़ती है बराबर इस रोड से, यार क्या ही बोलो। हाँ खींच गया, बिल्कुल खींच गया, क्योंकि यहाँ मतलब जब मैं ऐसी गाड़ी मोड़ता हूँ ना, पीछे वाले टायर जो है ना ये रोड से नीचे उतर जाते हैं, इस बात का डर लग रहा है। तो चलो जल्दी से जल्दी इसको पार कर लेते, क्योंकि अभी टाइम ही काफ़ी हो गया, ऊपर से अगर उस साइड में कोई होता ना तब अच्छा होता, क्योंकि उधर से नज़र ही नहीं है, क्योंकि लोडेड गाड़ी अगर इससे नीचे रोड से नीचे टायर उतर गया तो मुश्किल है, फिर तो मुश्किल है यार। अब तो यहाँ पे गाड़ी मोड़ना, ये भी जो कट है ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बड़ी गाड़ी के लिए बहुत मुश्किल है, छोटी गाड़ी को तो आसानी है यार, पर यहाँ से गाड़ी मोड़ना राइट टर्न लेना है, इसलिए थोड़ा हम पहले लेफ्ट लेफ्ट दबा लेते हैं, कोशिश करें कि एक ही कट जाने की गाड़ी को फिलहाल काट लेते पूरी गाड़ी, क्योंकि यहाँ पे इसी वजह से जाम लगा था, क्योंकि शहर में से पूरा रास्ता है आप खुद भी देख सकते हो। अब रिवर्स गाड़ी चढ़ाना ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कलश में भी जोर आता है यार, इसलिए हम सीधी ही गाड़ी छोड़ देते पहले। ओ भाई पीछे नज़र रहा है ही नहीं पीछे कोई, यार क्या करते हो कहाँ से निकलते हो।
भाई निकलो आप निकलो। हाँ मुड़ जाएगी भाई, पर मुझे लग रहा है और एक कट करना पड़ेगा। हाँ भाई मुश्किल ही हो गया भाई, यही तो मुश्किल हो रहा है। इसीलिए तो बड़ी गाड़ी को मुश्किल होता है यहाँ पे यार, छोटी गाड़ी तो आसान ही है, छोटी गाड़ी मुड़ जाती है जल्दी में, पर बड़ी गाड़ी को बहुत मुश्किल होता है यार। तो अभी यहाँ से बबदियाज रह गए 5 किलोमीटर, तो पर क्या ही बोलो यार, मतलब आज गलती होगी इस रोड से आया मैं, क्योंकि यार रोड की हालत देखो क्या है, आगे तो रोड ही नहीं है, ये देखो यार रोड ही नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल डर लग रहा है यार। अल्लाह बचाए, अल्लाह रहम करे सबको, बस बहुत बड़ी गलती की आज इस रोड से आया। बस तमाम भाई से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ भाई यहाँ से मत आ जाओ, बिल्कुल लोड गाड़ी को बहुत मुश्किल होता है यहाँ से चलने में, आप देखो बिल्कुल लोड गाड़ी को बहुत मुश्किल होता है यहाँ से चलने में, आप देखो आगे कहीं रोड ही नज़र नहीं आ रहा है, ऊपर से पूरा पहाड़ नीचे आया है, तो रोड पर कोई भरोसा नहीं है, नीचे भी चला जाता है। चलो अल्लाह तमाम भाइयों को हिफाजत में रखे, तो बस रिक्वेस्ट यही है कि भाई ड्राइव केयरफुली किया करो। चलो अब तो मैं फंस गया, अब तो मैंने एक गलती कर दी, क्योंकि मैं तो इससे पहले कभी आया नहीं बड़ी गाड़ी लेके यहाँ से, अगर बड़ी गाड़ी आएगी भी फिर भी मतलब वज़न बिल्कुल कम होना चाहिए, बराबर 24-25 टन माल नहीं होना चाहिए। तो आप देखो गाड़ी की भी बुरी हालत और अपने आप की भी बुरी हालत है। मेरी गाड़ी की भी मोशन टूटी गई, मुझे लग रहा है अब मुझे पीछे ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत हिल रही है। ओ यार अल्लाह रहम करे, अब क्या करे, यहाँ तो फंस गए, अब तो पूरा रोड ख़त्म किया था, अब बस अपने हाईवे पे चढ़ना था, वो ऊपर आपको रोड नज़र आ रहा है, पर इसकी वजह से मुझे भी अब डर लग रहा है, क्योंकि रोड ही नहीं है, कहाँ से निकले, अगर गाड़ी की मोशन टूट गई तो फिर वापस मतलब बैक जाएगी गाड़ी, तो पता नहीं कितना नुकसान हो जाएगा। ये देखो ये गाड़ी भी वापस आई ना, पीछे दुकान के साथ लग गई, चलो फिर भी बच गई, अल्लाह हिफाजत करे सबको यार। बहुत मुश्किल है, तो मतलब इन लोगों ने बोला था यहाँ से जगह है आपको गाड़ी चढ़ेगी, पर मैं बहुत डर गया, क्योंकि राइट साइड से रोड ही नहीं है, तो अगर इस साइड थोड़ा गाड़ी दबा लेके गाड़ी नीचे भी चली जा सकती है, कच्चे रोड पे गाड़ी को पलटने का भी खतरा है, अल्लाह बचाए, क्योंकि गाड़ी में जो वज़न है वो रोल है वो एक ही साइड का माल है, इसलिए तो अब JCB को बुलाया, अब JCB उस गाड़ी को धक्का मार लेगा, पर इससे भी तो नुकसान हो जाएगा, पर वो ड्राइवर भाई तो मजबूर है यार, हम भी तो मजबूर है, पीछे पूरा जाम लग गया, इसको थोड़ी वहाँ पर रुकने देंगे। अभी वो खुद ही चढ़ता पर उसकी गाड़ी नहीं चढ़ती है, इसीलिए तो अब उससे थोड़ा धक्का मार के निकालेंगे। अपने रोड पे जो कि मगल रोड, जिसको मगल रोड के नाम से जानते हैं, तो ये देखो यहाँ से बोर्ड भी नज़र आ रहा है अपना जो पिंड है शोपियां, 84 किलोमीटर्स यहाँ से है, तो श्रीनगर 135 और दोबीजन 64, तो अब फिलहाल बाइक चढ़ेगा सेफली।
वालेकुम सलाम। हम अपने छोटे फैंस को वेलकम करते हैं। ये सुबह से अभी शाम तक वेट कर रहे थे, अभी स्टेटस भी देखा आपका, और ये छोटे छोटे फैंस अभी रात तक काफी टाइम तक वेट कर रहे थे। कब से वेट कर रहे थे? सुबह सात बजे से वेट कर रहा था। और छोटू भी? दोनों। हाँ हाँ, दोनों। मिलना जरूरी था क्या? बहुत जरूरी था। चलो यार, देखो मतलब कितना प्यार करते हैं अपने छोटे भाई। सुबह से वेट कर रहे थे, अभी शाम तक मैसेज भी कर रहे थे मैंने। सुबह के टाइम भाई ने मैसेज की। चलो आगे साइड में करते हैं, उधर ही अच्छे से बात कर लेते हैं, क्योंकि यार यहाँ रुकने ही नहीं देते। देखो यार जाम कितना लगा है, क्या हाल हुआ है रोड का आज, तो मतलब हमारी भी बुरी हालत होगी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। चलो अभी मजा ले लो ट्रक में सेठी भाई के साथ। छोटू अगली बार जरूर मिलके अच्छे से जाएंगे, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। अभी आप जाओ अल्लाह के हवाले, छोटा भाई और एक भाई अब भाई करते हैं, क्योंकि पीछे देखो लाइन कितनी जा रही है। ओके हाँ, अल्लाह हाफिज भाई, आराम से जाना। ओके छोटू, मेरे लिए जाम वाम पार कर दिया सारा, तो अब बस चढ़ाई चढ़ना है पीर गली की तरफ। तो बफियाज से निकल के आए आगे कम से कम 5-10 किलोमीटर, यहाँ पे एक होटल है, अब यहाँ पे खाना वाना खाएंगे, क्योंकि भूख भी काफ़ी लगी और टाइम भी काफ़ी हो गया, 11:30 अभी टाइम हो गया। तो अब बस यहीं पे खाना वाना खाएंगे, तो चलेंगे पूरी रात। आप देखेंगे कब तक पहुँचेंगे पीर गली, क्योंकि अब तो चढ़ाई मतलब जो चढ़ना है ना, हिल एरिया है बहुत है, क्योंकि एक नंबर दो नंबर गाड़ी चढ़ती है, उसके अलावा तो गाड़ी नहीं चढ़ी, वो भी आराम से चढ़ना है, क्योंकि ऑलरेडी तो तेल बहुत एक्स्ट्रा हो गया। अब आराम आराम से ही चलेंगे, ऊपर से मेरी हालत भी ख़राब होगी, क्योंकि बहुत नींद आ रही है, कल रात को भी नहीं सोया। तो अब यार क्या ही बोलूँ, मतलब व्लॉग शूट करने के लिए भी फुर्सत नहीं है, तो अकेला बंदा क्या कर पाएगा, मतलब क्या देखो यार, अकेले अकेले सारा करना पड़ता है, इसीलिए ना टाइम नहीं मिलता है। तो अब इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अब तो मुझे चलना है पूरी रात, फिर सुबह के टाइम अच्छे से आपको नज़ारा दिखाएगी पीर गली का, अच्छा शूट कर लेंगे वहाँ पे। तो अब इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सबको मेरा ये व्लॉग वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो करते इस व्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में, तब तक के लिए सबको अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, लव यू फैमिली, बाय, गुड नाइट।